हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। मित्रों देखिए, ये तुलसी का पौधा है। आज मैं आपको तुलसी को कटिंग से कैसे ग्रो किया जाता है की जानकारी दूंगा। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। मित्रों, तुलसी का पौधा औषधीय पौधा है। इसकी पत्तियों का सेवन विभिन्न बीमारियों में रामबाण औषधि के रूप में हम करते हैं। दोस्तों, अगर इसकी पत्ती का सेवन काढ़े में करें तो अवश्य ही सर्दी बुखार जुखाम में आराम मिलता है। और मित्रों, तुलसी का पौधा जहां है वहां मक्खी मच्छर भी नहीं आते। मच्छरों को तुलसी की महक पसंद नहीं होती है। मित्रों, तुलसी का पौधा धार्मिक आस्था से भी जुड़ा होता है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि तुलसी की पूजा आराधना से व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहता है। मित्रों, तुलसी का पौधा जहां है वहां त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं। मित्रों, इसलिए तुलसी का पौधा अगर आपके पास है तो एक पौधे से आज कई पौधे हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं तुलसी कटिंग से कैसे ग्रो होती है। मित्रों, कटिंग निकालने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जिस टूल से आप कटिंग कर रहे हैं इसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज इसलिए किया जाता है कि जो कटिंग पार्ट होता है उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या फंगस की शिकायत ना हो। पहली चीज़ तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको। और जब भी आप कटिंग करते हैं तो आपने ऐसी कटिंग लेनी है जो सेमी हार्ड हो और साथ ही साथ बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। कोई दाग धब्बा इसमें नहीं होना चाहिए और 4-5 इंच की कटिंग लेना है। घबराना नहीं है मित्रों, बहुत आसान है कटिंग लगाना। देखिए, ये ले लीजिए, जितनी आप ले सकते हैं आसानी से, बहुत आसान है। इसकी कटिंग बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। इधर भी ले लीजिए, ज़्यादा मेहनत नहीं है मित्रों इसमें। जितनी अधिक लगा देंगे, मानसून का समय है, सीज़न है, बहुत अच्छी ग्रो होती है कटिंग। ये देखिए, ले लिया। मित्रों, अभी जैसा कि आपने देखा कि मैंने तुलसी की कटिंग ले लिया है और इसे पानी में डाल दिया है। अब मैं इसे ग्रो करने जा रहा हूँ, यानी कटिंग को लगाऊंगा। देखिए मित्रों, ये पॉट है 3 इंच का और इसमें ये खाली है और सभी में देखिएगा इसमें डैमेज होल है और डैमेज होल के ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा ऐसे रख दिया है, सभी में है। और इसमें मिट्टी भर देंगे। इसमें एक भाग मिट्टी है मित्रों, गार्डन सॉइल, एक भाग इसमें सैंड है, रेत, और एक भाग वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद। मैंने गोबर की खाद लिया है और थोड़ा इसमें हल्दी मिला दिया है। इतने में पूरे में 1 टीस्पून हल्दी मिलाया है और ये मिट्टी मिक्स करके और अब मैं सब में भर रहा हूँ। मित्रों, अब ये जो कटिंग्स है इनकी पत्तियों को रिमूव करेंगे, नीचे की पत्तियों को। जो स्टेम नीचे जाएगी मिट्टी में, वहाँ की पत्तियों को, तकरीबन 2 इंच तक की पत्तियों को निकाल देना है। और फालतू की अगर कोई स्टेम है तो उसको भी निकाल दीजिए। जो मिट्टी में जाना है स्टेम, वहाँ की पत्तियों को निकाल दें। ज़्यादा पत्तियों को नहीं निकालना है, ऊपर वाली को रहने देना है। और मित्रों, जैसे हम बाकी कटिंग्स लगाते हैं तो 45 डिग्री एंगल पर कटिंग करते हैं, इसमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान है इसकी कटिंग लगाना और आसानी से ग्रो हो जाती है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक पौधा है तो आप कई पौधे आसानी से बना सकते हैं। देखिए मित्रों, इसको सिंपल वे में इस तरीके से बिल्कुल आसानी से, देखिए इसमें कलम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों, अब कटिंग को मैं मिट्टी में लगाऊंगा। देखिए, चाहे इसको ड्राइवर से इसमें मिट्टी में छेद कर लीजिए, चाहे उंगली से, और नहीं भी करेंगे तो लग जाएगी कटिंग। ये थोड़ा टेढ़ा रखिए और लगने के बाद मित्रों इसको शेडेड एरिया में रखना है, जहाँ इसे छन छन कर धूप मिले। ज़्यादा धूप नहीं मिलनी लगनी चाहिए इसको। और ध्यान ये भी रखना है कि सुबह शाम पानी देना है, प्लस ये भी ध्यान रखना है कि ये कटिंग्स हिलनी नहीं चाहिए।
इस बात का आपने ध्यान रखना है। सुबह शाम पानी देना है इसमें। अब इसे शेडेड एरिया में रख दीजिए। देखिए मित्रों, मेरी तुलसी की कटिंग को लगाए 10 दिन हो गए हैं और कितनी अच्छी ग्रोथ है मित्रों, देखिए इसे। और जहाँ तक इसकी रूटिंग का सवाल है, मैं इसकी रूट भी आपको दिखा देता हूँ। और वैसे भी मित्रों मानसून का समय चल रहा है, सारी कटिंग लगी जाती है, कोई ऐसी नहीं है जो ना लगे। ये देखिए मित्रों, ये देखिए, और आप भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं, कटिंग लगाएं और इस मौसम में सफल हो जाती है। मित्रों अभी आपने देखा कि तुलसी को कटिंग से कैसे ग्रो किया जाता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।